हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीति डायरीज में मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को सावन महीना का ढेर सारा शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोग पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आप लोग मुझ पर कृपा बनाए रखें मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके। अभी जा रही हूँ मार्केट, मार्केट नहीं जा रही हूँ, बगल में ही जाना है, पूजा का सामान लेना है। कल से सोमवारी व्रत शुरू हो रहा है, मैं भी करती हूँ, आप लोगों में से भी कई लोग करते होंगे तो पता ही होगा कि कल से सोमवारी व्रत शुरू हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगी, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। मार्केट से आने के बाद मैं जो भी सब्ज़ी लाई हूँ वो सब धो रही हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी को धो कर ही उसको अच्छे से साफ करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो मैं यहाँ सारे सब्जियों को वाश कर लूँगी। वाश करने के बाद जो भी फल हैं उनको वाश कर लूँगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ मैं सारे सब्जियों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो रही हूँ और ये इस टोकरी में उसे रख कर कुछ देर उसे हवा में रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में डालूँगी। मार्केट से मैं दो चार चार पाँच दिन का सब्जी तो लेकर ही आ जाती हूँ एक बार ही, ताकि मुझे बार बार नहीं जाना पड़े। जल्दी से ये सब वॉश करने के बाद मुझे चाय बनाना है, क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं और चाय जल्दी से बनाना है। जीत आ गए, वो चाय मांग रहे हैं, तो मैं इसे फटाफट वॉश करके रख दूंगी। और आपको मैं दिखाती हूँ मालदा आम, बिहार का बहुत ही फेमस बहुत ही टेस्टी मालदा आम, आप लोगों ने भी ज़रूर खाया होगा। मुझे तो आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप लोग को भी ज़रूर पसंद होगा, हर किसी को पसंद होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आम नहीं पसंद हो। घर आम का सीज़न हो और घर में आम नहीं हो तो खाना अधूरा अधूरा लगता है। मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए ये आम है, तो आप लोग भी देख क्या रहे हैं, जल्दी से एक एक आम उठाइए और खाइए। मालदा आम बिहार का बहुत ही फेमस आम है मालदा आम, तो लीजिए आप लोग भी खाइए। इसका स्मेल बहुत 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 ही अच्छा है और मन करता है कि अभी के अभी खा लूं। तो मालदा आम किसको किसको पसंद है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बन रही है मेरी चाय, अब मैं पीऊँगी चाय। तो ये चाय बिस्किट आप लोग भी खाइए। यहाँ मैं सब्जी बेच रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा पर बिल्कुल नहीं, मैं सब्जी नहीं बेच रही हूँ। जो भी सब्जी धोने के बाद मैंने सूखने के लिए डाला था, बस वही लेने के लिए आई हूँ कि उसको वापस उसके जगह पे रख। अपने सब्सक्राइबर के लिए मैंने आम काटे हैं, तो खा लीजिए। मैंने अभी अभी खाना खा लिया, क्योंकि खाने में जब आम रहता है तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। तो खाना खाकर मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने में, क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो मॉर्निंग में उठने पर बहुत ही फ्रेश और हल्का महसूस होता है। तो इसीलिए मैं रात में ही सारा काम करके सोती हूँ, ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो मुझे कुछ भी बोझ सा नहीं लगे, हल्का फील हो और मैं अपना सारा काम आराम से कर सकूँ। मन भी खुश रहता है जब रात में हम किचन साफ़ कर लेते हैं, तो सुबह उठने पर बहुत ही हल्का सा महसूस होता है और जल्दी काम भी हो जाता है, काम का कोई बोझ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सावन का कल पहला सोमवार ही है, जिसके कारण मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया था जिस टाइम मैं गई थी। इसीलिए मैं 3 बजे गई और आने में 6 बज गए। तो यहाँ मैं बर्तन भी धो रही हूँ, सारा बर्तन क्लीन करके उसको अच्छे से रख दूँगी जगह पर, तभी मैं सोने के लिए जाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा।
मैं अच्छा करने का कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और